रोड इधर तो कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं कि क्या है नहीं है, आता है जाता है सब अपना। छह महीने से ऐसे ही है ये स्थिति, इसका कोई नहीं सुधरा है। स्थिति इसका 5 साल से ऊपर हो गया, तो वो नाला जो है ओवरफ्लो होता है बरसात में, ये यहीं से गिरता है, पूरा नाला बहते रहता है। कोई भी आएगा तो जूता का माला पहनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं अभय प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, फेज वन का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। अभी हम फिलहाल दीघा विधानसभा क्षेत्र, पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और राजीव नगर यह एरिया है और 24 नंबर ये रोड है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ के रोड की जो जर्जर स्थिति है और जल जमाव का काफ़ी समस्या है। राजीव नगर 24 नंबर, हाँ तो 24 नंबर रोड है ये, और यह कोई गांव पिछड़ा कोई मोहल्ला नहीं है, यह पटना नगर निगम में पड़ता है और यहाँ के लोग हैं, टैक्स भी देते हैं नगर निगम को, मैं सही हूँ? अच्छा, यहाँ कुछ सिविलियंस हमको मिल गए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी। अच्छा, ये राजीव नगर में ये सड़क की स्थिति और कब से है? कब से? बहुत दिन से, 6 महीने से ऐसे ही है ये स्थिति, इसका कोई नहीं सुधरा है अभी स्थिति इसका। अच्छा, एक बात बताइए कि चुनाव से पहले, मतलब जब आचार संहिता लागू नहीं था, उससे तो धड़ाधड़ यहाँ शिलान्यास किया जा रहा था रोड का, सड़कों का, संजीव चौरसिया जी कर रहे थे। उधर का था वो, इधर का नहीं था। तो इसका भी शिलान्यास कहाँ कुछ किए हैं? कभी किए हैं? कब? आपका सामने है ना सर। हाँ, वो भी नहीं, वो जल जमा देखिए, हमारा बाल बच्चा रहता है उधर अंदर में, जल जमा को कभी देख रहे हैं? ये रोड की स्थिति देख रहे हैं अभी? हम क्या बोलेंगे सर, सब लोग हम लोग निकल रहे हैं कैसे कैसे, नहीं तो हम को निकलने का साधन नहीं था वहाँ पे, तो ये नगर निगम का सभी दोषी है। खैर, कोरोना काल में स्कूल तो बंद है, लेकिन फिर भी बच्चे अगर निकलते होंगे तो डर बहुत डर है। हम बच्चे को निकलने नहीं देते हम लोग, कोरोना में बच्चे को बाहर नहीं निकालते हैं, अंदर घर में रखते हैं हम लोग। कहाँ निकालेंगे, नहीं रोड है नहीं कुछ है, तो कहाँ निकालेंगे बच्चे को, कहाँ जाएगा रोड हमारे से। अच्छा, ये बताइए कि बिहार विधानसभा का चुनाव है, दीघा से किसको आप चुनने वाले हैं? महागठबंधन के उम्मीदवार आपको सही लगते हैं या फिर बीजेपी? हम किसी को नहीं बोलेंगे अभी, हम वोटे नहीं देंगे हम किसी को, हम वोट हमारा बर्बाद हो जाएगा, मजदूर रहेगा किसलिए, क्या किसी को वोट देंगे, क्या फायदा है हमारा, कुछ फायदा नहीं है, हमको कमाना खाना है, किसको हम वोट देंगे? हम नोटा दबाइएगा हाँ सीधा। अच्छा, एक बात और, राशन वगैरह मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, किसी को किसको मिला है जी? कहा थे सब आदमी गरीब आदमी पड़ा, किसको मिला है राशन? राशन नहीं मिला, किसी को बोले ना, कहा था सब तो पड़ा है यहाँ गरीब आदमी। पूजा तक तो फ्री था, कहाँ कुछ वो यहाँ पे किसी को आया कुछ नहीं। 24 नंबर में हाँ होता है, मेन रोड में होता है, 25 नंबर से लेकर के 1 नंबर तक होता है, 24 नंबर नहीं आता, 25 नंबर इधर नहीं घुसता है, लेकिन उधर होता है खाली। सबसे पहला सवाल, रोड का जर्जर स्थिति, 24 नंबर पूरा का पूरा वही हाल है? सब पूरा वही हाल है, सब सगर आज से बहुत दिन से है, 2 साल से है गया करीब। रोड इधर तो कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं कि क्या है नहीं है, आता है जाता है सब अपना। अच्छा, ये बताइए, इसी सड़क से तो उम्मीदवार जो हैं बीजेपी के दीघा विधानसभा क्षेत्र से बार बार विधायक हैं, इसी सड़क से आएंगे वोट मांगने के लिए, तब क्या उनको कहिएगा? मारेंगे हम लोग, जूता का माला पहनाएंगे और क्या करेंगे, क्या कीजिएगा? जूता का माला पहनाएंगे। संजीव चौरसिया, कोई भी आएगा तो यहाँ से तो प्रेजेंट में विधायक हुई, हाँ जूता का माला पहनाएंगे हम लोग, दिखा देंगे उसको भी, हाँ देख ले अपना, तो अपना आपका आदे। अच्छा ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अजय पटेल हुआ। क्या करते हैं? मेरा टेंट का कारोबार होता है। अच्छा, सिविलियंस को क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं इस सरकार में या कोरोना काल में, किस तरह का आप लोग को परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है? बहुत परेशानी का झेलना पड़ रहा है, रोड का हालत बहुत ख़राब है, 24 नंबर का चल रहा है, अंदा तो बहुत ख़राब चल रहा है, 8 महीना से बैठ के खा रहे हैं, लाखों रुपया खा गए, कर्ज हो गया लाखों रुपया। काम वगैरह सुविधा तो दिया जा रहा है? कुछ भी सुविधा नहीं मिल रहा है, 6 महीना से राशन दिए बनने के लिए, वो भी बन के नहीं आया, राशन नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, बनाई नहीं। अच्छा, ये सड़कों का जर्जर स्थिति है, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा सा पानी में जल जमाव का काफ़ी समस्या है, काफ़ी समस्या है, पूरा गली गली में पानी भर जाता है। नगर निगम है, टैक्स तो देते होंगे जी, उसके बावजूद ये हाल है? ये हाल है, चुनाव है, चुनाव का समय है, सरकार को इस बार बदलना है कि वही रखना है? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसा समय आएगा वैसा किया जाएगा। ओपिनियन बताइए, आप किसको वोट दीजिए?
वहीं से चला जाता है, जैसा समय आएगा वैसा देखा जाएगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा श्याम बिहारी कुमार है। सरकार से कितना खुश है? क्या खुश रहेंगे, 6 महीना से तो बैठे हुए हैं, काम वगैरह नहीं मिल रहा है, कोई काम वगैरह नहीं मिल रहा। पलायन जो लोग करके आ रहे थे बिहार से वापस दूसरे जो राज्य में थे, उनको काम देने का वादा किया किए थे, कुछ भी नहीं मिला। बीच में परिवार अथी आंगनबाड़ी से आया, 20-20 रुपया ले गया कि लेडी लोग को कुछ काम देंगे, वहाँ गया तो कुछ 20 रुपया कौन लिया? आंगनबाड़ी वाला लिया, लेडीज लोग आए थे घर घर जाकर कि मिला कुछ? हाँ, रसीद दिए हुआ कि आप लोग बैठे घर बैठे मैंने आप लोग के काम देंगे, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं। आंगनबाड़ी में गए तो वहाँ कह रहा है कि कहाँ कुछ आया है। कितना दिन तो पहले की बात है? ये हो गया करीब 20 दिन का बात है। अच्छा, तो कुछ भी नहीं वहाँ, मैंने ये सब चीज़ है खाली फार्म भरा और पीला फार्म था, वो प्रधानमंत्री योजना मैंने उसमें लिखा हुआ है कि मैंने लेडीज लोग के घर बैठे मैंने रोजगार मिलेगा, लेकिन उस सब कुछ भी नहीं हुआ। राजीव नगर 24E रोड नंबर है, सड़कों की जर्जर स्थिति है, आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से किस तरीके से जर्जर स्थिति है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? समस्या ये है कि जब पानी का समय आता है, बरसात का सीजन आता है, 1-2 दिन का बरसात से ही पूरा यह जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो जाती है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ कचड़ों का अंबार भी है मेरे ठीक दाएं ओर, और यहाँ पर भी कीड़े का मकोड़े का ये जो डर बना हुआ रहता है, बीमारियाँ का खतरा वो लगातार यहाँ बना हुआ रहता है। हमारे साथ यहाँ इसी रोड से कुछ लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है? राम प्रवेश वर्मा। राम प्रवेश जी, ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ सड़कों की जर्जर स्थिति देखने के लिए मिल रहा है, और विधानसभा चुनाव है, उम्मीदवार आएंगे वोट मांगने के लिए, तो ये सड़क दिखाइएगा? जरूर दिखाएंगे। कब से ये सड़क का स्थिति? सड़क का 5 साल से ऊपर हो गया, वो नाला जो है ओवरफ्लो होता है बरसात में, ये यहीं से गिरता है, पूरा नाला बहते रहता है यहीं से। हाँ, कैमरा को दिखाते हुए यहाँ पे दिखाएंगे कि घर से ठीक बगल, ये पानी कहाँ से आता है? यहाँ नाला से आता है, नाला से ओवरफ्लो होकर सड़क पे आता है, ओवरफ्लो के सड़क पे आता है। चुनाव में आएंगे आपके पास वोट मांगने के लिए, क्या जवाब दीजिएगा? क्या जवाब देंगे? अच्छा, टैक्स तो पे करते होंगे, नहीं नगर निगम में आता है? निगम में पे करते हैं। टैक्स पेयर होने के बावजूद 5 साल से लगातार सड़कों की जर्जर स्थिति? हाँ है, 5 साल से ज़्यादा हो गया है, 5 साल से भी ज़्यादा। हाँ, उससे ज़्यादा है, ऐसे ही हाल है पूरे रोड का। वो इस लास्ट ईयर तो भट्टेवन पानी था इस रोड पर। अच्छा, बीजेपी के लगातार कैंडिडेट यहाँ से उतरते हैं और जीत भी हासिल करते हैं, इस बार क्या लगता है उसको फिर से भेजिएगा? देखिए, अब तो जनता के मूड के ऊपर निर्भर करता है। आप अपना तो कुछ बताइए। हम अपना क्या बताएं, अब तो समय बताएगा। कोई तो पसंद होगा, कोई नेता पसंद होगा बिहार में जो सीएम के रूप में जिसे देखना चाहते हैं? बिहार में तो नहीं, लेकिन देश में तो मोदी ही हैं अभी फिलहाल। बिहार का चुनाव है, कुछ तो टिप्पणी कीजिए। क्या टिप्पणी कर सकते हैं हम, तो जनता टिप्पणी करेगी। तो आपने देखा किस तरीके से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और क्या कुछ नहीं सुना दिया नीतीश कुमार को, और साथ ही साथ यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई उम्मीदवार उन्हें वोट के लिए उनके दरवाजे तक आता है तो उन्हें जूतों के माले से स्वागत करेंगे। फिलहाल इतना ही, खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। नमस्कार।